हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। हम घूमने के लिए आए हैं, बाहर बच्चे भी है साथ में। बच्चे उठ गए थे तो साथ में आए हैं। आज हम जिम नहीं गए हैं। मैंने कहा बच्चे है साथ में तो थोड़ा बाहर ही घूम लेते हैं, क्योंकि जिम में बच्चों का जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम बाहर घूम रहे हैं। और दिन बच्चे सोते रहते थे तो हम दोनों आ जाते थे। आज बच्चे उठ गए थे तो बच्चे भी आ गए हैं साथ में। और सही में अगर सुबह आधा घंटा भी घूम लेते हैं तो पूरा दिन अच्छा रहता है, आलस नहीं आता है और थकावट नहीं रहती शरीर में। तो हमें कम से कम आधा घंटा जरूर घूमना चाहिए सुबह, क्योंकि मैं कहीं की वीडियो देखती हूँ, कहीं सिस्टर बोलती है कि थकावट रहती है, ज़्यादा काम नहीं कर पाते। वो ये थोड़ा सा आलस के दिन आ गए हैं अभी गर्मियों में। और हम लेडीजे सबके लिए कुछ घर में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जब अपनी बात आती है तो बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता, आलस कर जाते हैं। और फिर बस वही होता है, कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, तो ये सब झेलना पड़ता है। तो इससे अच्छा तो सुबह कम से कम आधा घंटा ज़रूर घूमना चाहिए, उससे पूरा दिन आलस नहीं रहता। ये सब मेरे साथ भी होता था, मेरे पैरों में दर्द रहता था, लेकिन जब से मैं सुबह घूमने लगी हूँ तब से बहुत आराम है। और ये देखिए सुबह का व्यू भी कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, पूरा दिन मन खुश रहता है ऐसे व्यू को देखकर। देखिए कितना सुंदर है। और जिनका शरीर ठीक है उनका तो चलो अच्छी बात है, पर जिनको ये दिक्कत हो रही है मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूँगी। पहले का क्या होता था कि पहले खाना पीना सब शुद्ध होता था, लेकिन आज के टाइम में उतना शुद्ध नहीं मिल पाता है हमें खाने पीने की चीज़ें, तो थोड़ा सा ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ता है। ऊपर से हम तला भुना भी ज़्यादा खाते हैं, तो हमें थोड़ा सा खाने पीने का भी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा वगैरह सुबह के टाइम हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा अपना शरीर ठीक रहे। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पैसे फूकने से, टाइम बर्बाद करने से अच्छा है हम खुद थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि एक ऊपर एक औरत के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, पूरे घर को संभालना होता है, और अगर वही ठीक नहीं रहेगी, उसी की तबीयत खराब रहेगी, तो पूरा घर कैसे संभालेगी, कैसे सबको खुश रखेगी। तो बस हमें थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए खाने पीने में भी, और सुबह के टाइम कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज योगा वगैरह जैसे भी घर पर पॉसिबल हो तो घर पर, नहीं तो थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए सुबह के टाइम। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे ही साथ हो रही है, या मैं देखने में कमज़ोर लगती हूँ, या मैं अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग देखने में हट्टे कट्टे दिखते हैं उनके साथ भी ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि खाना पीना रहना सहना सबका लगभग सेम ही है, तो सबके साथ ये दिक्कत हो रही है। तो हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको सुबह से शाम तक काम करना होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अगर शरीर सही हो तो काम करने में मन लगता है, नहीं तो फिर दुखी होकर परेशान होकर भी काम करना ही पड़ता है एक लेडीज को। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सबसे सब अपना ध्यान रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये शाम का टाइम है, 4:15 हो गए है। तो सुबह से तो मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई, थोड़ा सा ही बनाता बस, और उसके बाद मैंने लंच किया, फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, मैंने सो गई थी। तो मैं अभी से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी मैंने कपड़े धोए थे तो मैं सूख गए हैं, अब उनको उतारूँगी, फोल्ड करके रखूँगी, और कुछ कपड़े प्रेस करने के हैं तो प्रेस करूँगी। तो चलिए चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो ये देखिए कपड़े तो अब जल्दी सूख जाते हैं, और हवा इतनी चल रही है सारे कपड़े नीचे गिर गए हैं। तो मैं इनको उतार लेती हूँ पहले। क्या ले रहे हो तुम? देखो ये चाबी है हमारे पूरे घर की, 6 चाबी है इसमें। हेलो करो दोस्तों को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आज हम वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। हाँ, हर्षु शुरू करेगा वीडियो बनाना। हर्षु ब्लॉगिंग करेगा आज। लेकिन ये दांत काले था तो आर्यन की दवाई पी थी उससे, ताकि मेरे को ताकत वाला खून बनाए, पर मैंने इसलिए पिला दी थी तो दांत काले हो गए। हाँ कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक है ना। हाँ, जब नए दांत टूटेंगे तो मेरे दांत ठीक
साफ साफ आएंगे। हेलो बोलो मम्मी। हेलो, कैसे हो आप सब? पूरे घर की चाबी है, घर की चाबी। ये बालकनी है, ये पंखा है, ऊपर देखो। चलो कपड़े उतारो और तय लगाओ इनकी मेरे साथ। चलो चलो चुन चुन देखो, बेड पे रखो सारे कपड़े उठा के। चलो नमन, मान जाओ। हाय दोस्तों, कौन बोलता है तुम्हें कि तुम्हारे दांत काले हैं? बोलता है कोई? नहीं। तो आप कैसे बोलते हैं? स्कूल में बच्चे बात करते हैं। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि दांत काले क्यों? तो आपने बताया नहीं उनको कैसे हो गए? नहीं बताया नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हर्ष बोल रहा था कि स्कूल में बच्चे बोलते हैं कि इसके दांत काले पड़ गए हैं, कैसे पड़ गए हैं। बस वैसे भी जो भी देखता है सभी बोल ही देते हैं। अब इसको खुद महसूस होने लगी है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। सामने वाला बोल तो देता है लेकिन ये नहीं सोचता है कि किसको कैसा लगेगा, बस ऐसे ही कमेंट कर देते हैं। अब ये बच्चा है, अब ये नहीं समझ पाता। अभी फिर मेरे से पूछ रहा था, मम्मी मेरे दांत ऐसे कैसे हो गए? तो मैंने बताया था इसको कि इसके छोटा था जब ये, तो खून की कमी थी इसमें, तो इसके आयरन की दवाई चली थी, तब से इसके दांत काले पड़ गए थे। मैंने जिस डॉक्टर के यहाँ से दवाई चली थी, मैंने बोला भी था कि इसके दांत काले पड़ गए हैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर दवाई छोड़ दोगे तो अपने आप वाइट हो जाएंगे। तो जब तक दवाई इसकी ख़त्म हुई और वाइट होते तब तक ये दांत टूट गए थे। नमन के टूट गए हैं, हर्ष के टूटे नहीं हैं, बस काले पड़ गए हैं। तो दोनों की चली थी, नमन भी बहुत कमज़ोर था, इसकी भी कैल्शियम की आयरन की दवाई चली थी बचपन में जब छोटे ही थे। लेकिन जब दांत निकले थे तब बहुत अच्छे दांत थे दोनों के, बाद में हुए हैं। तो अभी भी दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखाया है इनके दांतों को, तो बोल रहे थे डॉक्टर कि इनके दांत अपने आप दूसरे निकलेंगे तो अपने आप सही निकलेंगे, बस खाने पीने का ध्यान रखना और कैल्शियम की कमी मत होने देना। तो वही है, बस थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखते हैं, बाकी मुझे नहीं पता इनके सही निकलेंगे। मुझे डर भी लगता है लेकिन बस वही है, डॉक्टर ने बोला है कि खाने पीने का ध्यान रखना इनका, आगे जो दांत निकलेंगे इनके वो अच्छे निकलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया है कि ये दूध के दांत है, जो न्यू दांत आएंगे वो सही से आ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि तो दिक्कत होगी, आगे दांत सही नहीं आएंगे। तो मुझे अगर किसी को इस बारे में पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर कपड़े सूख गए थे तो मैं तय लगा रही हूँ इनकी, और अब गर्मी आ गई है, कपड़े बहुत कम हो गए हैं अब तो। पहले मैं सर्दियों में डेली धोती थी, अब एक दिन दो दिन छोड़ कर धोती हूँ, तीसरे दिन धो देती हूँ, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कपड़े। बस अभी किचन में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है गर्मियों में, गर्मी बहुत होने लगी है अभी से ही, और अभी कपड़ों पर प्रेस भी करनी है, क्योंकि अभी कॉटन के कपड़े होते हैं गर्मियों में, तो उन पर प्रेस बहुत ज़रूरी है करनी। और प्रेस करने से ये भी होता है कि अलमारी में सही से कपड़े रखे जाते हैं, अगर बगैर प्रेस के रखते हैं तो उठाएँगे एक और निकलेंगे चार, तो प्रेस करके रखने से अच्छे से रखे रहते हैं। पहले जब मैं छोटी थी कोई प्रेस करता था तो बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि जैसे मैं खुद ही करने लग जाऊं प्रेस, लेकिन कोई करने नहीं देता था, बोलते थे कि कपड़े जला देगी तुम, इनसे नहीं होगा। लेकिन अब इतना आलस आता है बहुत ज़्यादा कपड़े फोल्ड करने में, प्रेस करने में, लेकिन क्या करें, आलस करने से काम नहीं होता है, काम करने से ही होगा, तो बस कर लेते हैं फटाफट से। और यहाँ पर हर्ष बार बार आ रहा है, अपना सामान दिखा रहा है आप लोगों को, देखिए इसको पता चल गया है कि मम्मी वीडियो बना रही है, तो अपना सामान ढूंढ ढूंढ के ला रहा है और दिखा रहा है आप लोगों को।
जितनी भी है होती है, जितनी भी है होती है। ये बैटरी वाली है, देखो बैटरी दिखाई दे रही है ना, और ये रहा इसका वो सामान दिखा रहे हो अपना। मेरा नाम बस उसमें हर आता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर वो महादेव को बताऊँ, क्योंकि मेरे नाम में हर आता है, हर हर सु हर यहाँ पर हर्ष बोल रहा था कि मेरे नाम में भी हर आता है और महादेव के नाम में भी हर आता है, तो इसने कहीं सुना होगा, तो बोल रहा था कि मैं महादेव का भक्त हूँ। और यहाँ पर मेरे कपड़े फोल्ड हो गए थे, तो अब मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं गर्मियों में बहुत ज़्यादा सलवट आ जाती है, तो प्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो मैं बस फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे किचन में भी कुछ काम है, कुछ बर्तन पड़े हैं और चाय बनाऊँगी शाम की। बर्तन ज़्यादा नहीं है, बस बच्चे पानी वगैरह पीते हैं, अब गर्मी आ गई है तो बस वही है, क्योंकि दोपहर में हमने खाना खाया था तो मैंने साफ़ कर दिए थे, बस वही है, दो चार बर्तन अभी के होंगे, क्योंकि मैं अभी सो गई थी तब बच्चों ने पानी वानी पिया है, तो बस बर्तन तो थोड़े ही है। उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी और फिर बच्चों को लेकर जाऊंगी पार्क में, क्योंकि शाम का टाइम है, थोड़ी देर बच्चे पार्क में खेल आएंगे, और फिर उसके बाद तो ये है कि शाम को खाना ही बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह से शाम तक का डेली रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो यहाँ पर मैं कपड़े फोल्ड करने के बाद, प्रेस करने के बाद आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है, मैं चाय बनाऊँगी गुड़ की। गुड़ की चाय मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये दो चार बर्तन पड़े हैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद तब तक मेरी चाय तैयार हो जाएगी, फिर चाय पियेंगे। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी चाय पी लीजिए। किस किस को गुड़ की चाय पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी, और एंड तक बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।